नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संजय दत्त 27 फरवरी को रिहा किए जाएंगे। पुणे की अति सुरक्षित यरवदा केंद्रीय जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को 27 फरवरी को रिहा किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सजा कम करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह विभाग से मंजूरी मिलने के बाद दत्त को माफी जेल मैनुअल के मुताबिक दी जा रही है। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने अवैध रूप से हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। मई 2013 में उन्हें यरवदा जेल भेजने के बाद दत्त 2 बार पैरोल पर और 2 बार ही छुट्टी पर बाहर आ चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना शुरू, संपूर्ण खर्च केंद्र वहन करेगा। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना नए ढांचागत एवं वित्तीय व्यवस्था के तहत शुरू की गई है। 3 चरणों में पूरी की जाने वाली इस परियोजना का संपूर्ण खर्च अब केंद्र सरकार वहन करेगी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस परियोजना की शुरुआत अनूप शहर से हो गई है। मीनाक्षी मंदिर के पास फेंके गए पेट्रोल बम। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर के आसपास कुछ लोगों ने मंगलवार देर रात 3 पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। देर रात 2 घंटे के भीतर ये बम फेंके गए। बहरहाल उनमें से सिर्फ 1 बम फटा। घटना स्थल से बियर की टूटी हुई बोतलें बरामद की गई हैं। NSG द्वारा मंदिर में सुरक्षा जांच की समीक्षा के कुछ घंटों के बाद ही यह घटना हुई। मेक इन इंडिया वाली सरकार ने लिया HMT को बंद करने का फैसला। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी मोदी सरकार ने घाटे में चल रही हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, HMT चिनार वाच लिमिटेड और HMT बेरिंग लिमिटेड को बंद करने का बुधवार को निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे करीब 1,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। HMT की इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को सरकार नीतियों के अनुरूप बेचेगी। इस्लामिक स्टेट ने दी सऊदी जेलों को नष्ट करने की धमकी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सऊदी अरब की उन जेलों को नष्ट कर देने की चेतावनी दी है जिनमें जिहादियों को बंद रखा गया है। इस्लामिक स्टेट ने यह चेतावनी शनिवार को 47 लोगों को फांसी दिए जाने की घटना के बाद दी है, जिनमें 43 अलकायदा से जुड़े आतंकवादी थे। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर आपात बैठक। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर विचार करने के लिए बुधवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। यह जानकारी सुरक्षा परिषद के 3 राजनयिकों ने दी है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि उत्तर कोरिया के 4th परमाणु परीक्षण को लेकर सुरक्षा परिषद उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका, जापान, चीन समेत अन्य देशों ने परीक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।